दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल ग्रीन टिप्स एडवाइस चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में चर्चा करूंगा जो स्टॉक में काफी उछाल आए थे और उछाल आने के बाद उसमें एक करेक्शन देखने को मिला है, और करेक्शन को देखते हुए हमने उसमें और एक चीज ध्यान दी, वो है गोल्डन क्रॉसओवर। तो गोल्डन क्रॉसओवर साथ ही साथ स्टॉक की करेक्शन, तो उस एनालिसिस को देखते हुए हम ये एनालिसिस करेंगे डीपली कि स्टॉक में हम निवेश कर सकते हैं, इतनी अगर हम निवेश करते हैं तो किस प्राइस में हम बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है और टारगेट क्या हो सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा, अगर आप लोग पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 80% एक्यूरेसी के साथ कॉल प्रोवाइड करता हूँ, सुबह 9:15 से 3:15 तक मेरा लाइव सपोर्ट रहते हैं। और अगर आप लोग मेरे थ्रू आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोगों को निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन कॉल फ्री में मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टॉक का नाम है फ्रेंड्स जिंदल पोली। जिंदल पोली को सिलेक्ट करने का रीजन पहले मैं बता देता हूँ, मैंने जो कहा था गोल्डन क्रॉसओवर। देखिए फ्रेंड्स, स्टॉक जो है गोल्डन क्रॉसओवर स्टॉक है क्योंकि 50 डेज ने 200 डेज को ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 50 डेज है और रेड कलर का जो है 200 डेज का है, तो 50 डेज ने 200 डेज को ब्रेकआउट किया और स्टॉक की करंट प्राइस अभी 50 डेज और 200 डेज के लेवल के ऊपर है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा कि पिछले दो दिन से स्टॉक में गिरावट हमने देखा, यहाँ पर हमने एक अप मूवमेंट देखा और यहाँ पर हमने दो दिन से कंटिन्यू गिरावट देखा। तो इस गिरावट के चलते हमने क्या देखा कि 30 डे की यानी 29 मार्च की जो ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस क्या था, ओपन प्राइस था फ्रेंड्स 258.80, तो ओपन प्राइस के नीचे क्लोज हुआ, ठीक है, लेकिन डे पीवट लेवल के ऊपर क्लोज हुआ। कहने का मतलब है स्टॉक गोल्डन क्रॉसओवर स्टॉक है, 50 डेज ने 200 डेज को ब्रेकआउट किया और स्टॉक प्राइस 200 डेज और 50 डेज क्लोजिंग प्राइस के ऊपर अभी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जब 50 डेज ने 200 डेज को क्रॉसओवर किया था तो क्रॉसओवर करने से पहले ही हाई बना चुका था और वहां से स्टॉक में एक करेक्शन आई, लेकिन क्रॉसओवर अभी तक कंटिन्यू में है, यानी 50 डेज अभी तक 200 डेज के ऊपर है। तो एक तो क्रॉसओवर स्टॉक है गोल्डन क्रॉसओवर, दूसरी तरफ करेक्शन आई है और करेक्शन भी पीवोट लेवल पे आके रुके हैं। तो ये सारे चीजें देखते हुए हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एमएसडी मेन लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है, आरएसआई का ट्रेंड थोड़ा सा नीचे की तरफ है, लेकिन बाकी जो है हमें एक अच्छी कंडीशन दिख रहा है क्योंकि स्टॉक में काफी उछाल आई थी और इस उछाल के चलते एक करेक्शन भी आई है, और इस करेक्शन को देखते हुए और क्रॉसओवर अभी तक कंटिन्यू है इसको देखते हुए, एमएसडी मेन लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है इसको देखते हुए इसमें हम निवेश कर सकते हैं। तो इसमें निवेश करने से पहले हम वीकली चार्ट में देखते हैं कि हमें कोई सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, कि अगर हम बाइंग पोजीशन बनाते हैं तो हमारे लिए क्या सपोर्ट रहेगा। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो देखिए पिछले वीकली की ओपन प्राइस के ऊपर अभी तक चल रहा है और वीकली चार्ट में 50 डेज क्लोजिंग प्राइस के ऊपर अभी तक चल रहा है, ठीक है, यह लोगों को दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एमएसडी मेन लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है और आरएसआई का रेशियो भी अच्छी है, 50 में है। तो वीकली चार्ट में 50 डेज का सपोर्ट क्या है, 50 डेज है 354 और आज के डेट में स्टॉक क्लोज हुआ 357.65 में, तो 3.5 पॉइंट का डिफरेंस है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इंट्राडे के लिए, इंट्राडे के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगर बाइंग लेवल एग्जीक्यूट होता है तो। दूसरी तरफ वन मंथ में अगर हम देखें तो वन मंथ में एक जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है हमें, और ये ब्रेकआउट अगर होता है तो स्टॉक में काफी उछल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। वन डे चार्ट में हमें बाइंग सिग्नल मिल रहा है क्योंकि स्टॉक गोल्डन क्रॉसओवर है और करेक्शन में है, अभी इंडिकेटर भी बाइंग पे है, वीकली चार्ट में भी बाइंग पे है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है 354 का जो 50 डेज का लेवल है। वन मंथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एमएसडी मेन लाइन सिग्नल लाइन को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, इसको जैसे ही ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर की तरफ एक बड़े उछाल देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स हिस्टोग्राम बार भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और आरएसआई भी 43 में है। तो वन मंथ वीकली एंड वन डे में एक अच्छी कंडीशन देखने को मिल रहा है।
इसको देखते हुए हम लोग इसमें एक बाइंग पोजिशन बना सकते हैं, लेकिन किस लेवल पे बाइंग पोजिशन बनाएंगे चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम बाइंग पोजिशन बनाते हैं, बाय अगर हम बाय करते हैं तो हम किस लेवल पे बाय करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स हाँ ठीक ही है, हम किस लेवल पे बाय करेंगे, अगर हम बाय करते हैं तो हम बाय करेंगे, तो फ्रेंड्स सॉरी मैंने इसलिए कहा था, फिर से सॉरी कहूंगा, स्टॉक प्राइस जो है अभी 258 पॉइंट, हाँ 200 का स्टॉक है, 257.65 में क्लोज हुआ है, लेकिन मैंने गलती से 300 कह दिया था, तो 300 नहीं 257.65 में क्लोज हुआ था, 200 का स्टॉक है यानी 250 रुपए का स्टॉक है। तो अगर हम बाइंग पोजीशन बनाते हैं तो लेवल रहेगा 262.50, 262.50 रुपए में हम बाई कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस हम फॉलो कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हम फॉलो कर सकते हैं 252 का, और टारगेट हम फॉलो करेंगे, जो टारगेट लेके हम चलेंगे वो है 270 और 276, ओके तो इस लेवल को फॉलो करके हम चल सकते हैं। तो हमें आशा है आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है, स्टॉक को मैंने क्यों सिलेक्ट किया, क्या मैंने देखा इसमें, तो सभी रीजन मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। तो अगर आप लोग आस्था ट्रेड में मेरे थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोगों को निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन कॉल फ्री मिलेंगे, और अगर आप लोग पेड सर्विस लेना चाहते हैं तब भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 80% एक्यूरेसी के साथ कॉल प्रोवाइड करता हूँ, सुबह 9:15 से 3:15 तक मेरा लाइव सपोर्ट रहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना सही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।